Maria lá em uma vez. हेलो फ्रेंड, कैसे होप करती हूँ कि आप लोग अच्छी होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। फिर मैं आगे एक न्यू वीडियो लेके और न्यू वीडियो मैं लेके आती रहती हूँ हमेशा। यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पहले ही बोल देना चाहती हूँ। एंड ये जो व्यू दिख रहा है ना, मैं जा रही हूँ सुरवीत महामंदिर पे और मैं वहाँ का आपको विजिट कराने वाली हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पर घूमने निकली हूँ। तो नाइट का व्यू है भाई, मैं नाइट के व्यू में कैसे दिखा नहीं सकती हूँ। एंड मैं ये बता सकती हूँ कि आपको इसके पहले डे का व्यू का, आपको सुरवीत महामंदिर का सारी हिस्ट्री सारे लोकेशन पता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं सुरवीत मंदिर आ चुकी हूँ एंड आपको लेके चलती हूँ इसके अंदर तक दिखाती हूँ। एंड आपको फिर एक बार लोकेशन बता देना चाहती हूँ कि ये बनारस से 15 किलोमीटर की दूर और ये उमराहा मुंडली में है। अभी भी आओ बनारस से तो ऑटो वगैरह भी कर सकते हो एंड पर्सनल चीज़ों से आ सकते हो। तो ऑटो वगैरह करके आओगे तो आपको मान के चलो कि थोड़ा सा कॉस्टली तो पड़ेगा, 200 के पास में पड़ेगा रिजर्व करके आते हो तो आप अपनी पर्सनल चीज़ों से ही आओ तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। एंड यहाँ का देख सकते हो ना भाई साहब, नाइट का क्या व्यू था। मैं तो यही देखने आई थी यार, मैं डे में आ गई थी, मेरी पागलपंती थी, बट डे में आई तो डे का विजिट आपको चारों तरफ का कराई, अंदर बाहर सब कुछ। मैंने इसकी हिस्ट्री भी बताई जो मुझे पता था, क्योंकि यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे एक साथ 20,000 जो है 20,000 यहाँ पे ध्यान केंद्र बैठ के एक साथ लगाया जा सकता है। और ये बहुत मतलब एक जो भी इसका बना हुआ है, कहते हैं कि ये कमल के फूल के आकार पे बना हुआ है, उसके पंखुड़ियों के आकार पे बना हुआ है। तो इसकी हिस्ट्री में पहले ही बता चुकी, फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। एंड मैं बोली थी कि नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, तो आज के वीडियो में बस आपको दिखाने वाली हूँ, कुछ बताने वाली नहीं हूँ। और ये मैं बस इतना जरूर बताऊंगी कि ये देखिए यहाँ पे, जब मैं फर्स्ट वीडियो में आई हूँ आप देखेंगे उसमें कि चेक इन वगैरह का नहीं लगा था, लेकिन यहाँ पे चेक इन वगैरह का लग चुका, आप इसके बाद ही आप एंट्री कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ना यार क्या प्यारा व्यू है, क्या प्यारा लोकेशन नज़ारा भाई। आप मतलब मैं टाइमिंग बता देती हूँ कि आप यहाँ पे जब भी आओ ना 5 बजे के लमसम में आ जाओ, 5 या 6 बजे लाइट जल जाती है एंड 8 बजे तक ही आपका एंट्री हो सकता है, उसके बाद क्लोज हो जाता है। तो मैं तो ये लुक उठाने वाली हूँ। एंड मैं जब आई ना तो 7:30 हो रहा था यार, मैं क्या बताऊँ, इतनी जल्दी जल्दी दौड़ते हुए मैं आई ना जब वहाँ पे स्टे की, तो वहाँ से दौड़ते हुए आई कि यार क्लोज ना, क्योंकि मुझे अंदर का भी थोड़ा सा आपको दिखाना था। यहाँ पे आई हूँ तो बाहर का तो देख ही लीजिए भाई साहब क्या व्यू है, अंदर भी आपको लेके चलती हूँ। तो आप इतनी सीढ़ियों से आप चढ़ेंगे तभी आप अंदर पहुँचेंगे। और यहाँ पे मतलब जितना नाइट में लोग, डे में बल्कि उतने लोग नहीं थे यार नाइट में, क्योंकि इसका जो लुक है ना भाई साहब वो नाइट का ही लुक है। और मतलब ऐसा क्या ये लोग इसमें कलाकारी की हूँ यार, कि आखिर इसकी लाइटिंग की प्रकाश जो है ये किस तरीके से इतना प्यारा इतना भव्य मंदिर लग रहा है यार। मैं क्या ही बताऊँ, जब हम आते थे तो मेरे रूट पर पड़ता हम लोग के घर के, तो हमको समझ में नहीं आता था कि क्या बन रहा है। एंड ये 2004 से बनना स्टार्ट हुआ एंड अब जाके अभी भी बनी रहा, अभी फुली कंप्लीट नहीं हुआ, देन फुली कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत प्यारा लगने वाला है। और देखिए यहाँ पे अंदर भी बहुत सारे लोग थे, यहाँ पे एक कह रहे कि कथा चल रहा था। एंड आप देख सकते हैं ना कि मैंने फिर नाइट में, मतलब डे में तो ली थी एंड नाइट में भी आपको देखिए यहाँ का झूमर जो लगा हुआ था, इतना बड़ा झूमर, इतना प्यारा झूमर था, मैं क्या ही बताऊँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पे ऋषि भगवान जो लिखते, जो सत्संग यहाँ पे लोग कर भी रहे थे एंड उनका मैं बोली कि आपको जो भी मूर्ति उनकी बनी हुई है तो मैं आपको दिखा देती हूँ, तो इन्हीं की लोग पूजा करते हैं। एंड यहाँ पे लोग आते हैं और काफ़ी यहाँ पे देखिए कुछ बच्चे यहाँ पे थे, अभी मैं दिखाऊंगी आपको, ये सत्संग हो रहा था। एंड फिर मैंने सोची कि मैं झूमर आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखा देती हूँ, क्या आप देख रहे हो ना यार क्या बन के, मतलब क्या बना है। मुझे तो ट्रस्ट में बता रहे हैं कि डे बाय डे एक ना एक चीज़ नई चीज़ें उभरती आ रही है एंड ये बहुत सालों से बन रहा था, तो बहुत सालों से बन रहा था तो है ना भाई कि कितनी प्यारी चीज़ें बन के रेडी हुई है। और कुछ दिन में यहाँ पे फ़ोन वगैरह बंद हो जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा देखने से लग रहा है कि क्योंकि यहाँ पे बहुत रोकने के बाद मतलब मैं वीडियो बहुत चोरी से बनाई, इसके पहले ऑलरेडी वीडियो मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मोबाइल की जैसे मोबाइल वगैरह के जरिए जो है ना कि यहाँ पे लोग ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गुरु हैं वो ध्यान लगाने को ये सारी चीज़ें उसी चीज़ को ये दर्शाया गया है। एंड यहाँ पे देखिए कि मैं बोल इतने कि कुछ बच्चे थे छोटे छोटे जो यहाँ पे अपने मतलब गाने वगैरह गा रहे थे एंड उनके सामने जो
जो भी ध्यान लगा रहे थे। तो एक तरीके से इसलिए मोबाइल का बंद होना ज़रूरी हो कि यहाँ पे लोग ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, शोर शराबे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि 20,000 लोग यहाँ पे एक साथ ध्यान लगा सकते हो। सारी चीज़ों को रखते हुए दिन में देखिएगा सारी चीज़ें बदल जाएंगी। एंड अभी जिसको आना है घूमना है तो अभी फाइनली आके विजिट कर सकता है एंड यहाँ पे देख सकता है और उस चीज़ को कैप्चर भी कर सकता है। देन आप बाहर से इसका कैप्चर, क्योंकि पूरी फुल जो है बाहर का ही लोकेशन है एंड बहुत दूर से भी आप इस चीज़ को कैप्चर कर सकते हो, लेकिन अंदर देख लीजिएगा कुछ दिनों में बंद हो जाएगा। एंड ये देखिए सारी चीज़ें जो राइट की हुई थी उनके बारे में कुछ लिखा गया था, तो देन आप पढ़ भी सकते हो यहाँ पे आके और आप देख सकते हो, घूम भी सकते हो। मैं तो, मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं अंदर आ गई एंड थोड़ी शूट भी कर ली थी। बार बार लोग मना कर रहे थे कि शूट नहीं करना, आपको शूट नहीं करना, आप फोटो वगैरह ले सकते हो। देन मैं क्या करूँ, मैं थोड़ी सी मेहनत करके आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश की, आप जब भी आओ खुद शूट करना, देखना कोई ना कोई मना करेगा। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे लोग थे और है ना, मतलब एक तरीके से ये सही भी है कि जब ध्यान केंद्र लगाने के लिए बनाया गया है तो आप लोग ध्यान लगाओ इसके अंदर जाके, ना कि अगर फ़ोटो वगैरह लेने हैं तो आप गेट के बाहर ले सकते हो। तो मैं तो बहुत अच्छा है, इसके पहले भी ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो पढ़ चुके हैं एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में आई हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट मेरा खुद ही वीडियो पढ़ चुका है, डे का वीडियो एंड नाइट का वीडियो नहीं था, क्योंकि मैं नाइट तक रुकी नहीं थी, बहुत ठंडी हो रही थी, तो इसके वजह से मैं डे का सारा लोकेशन जो भी चीज़ें थी तो मैं लेके चली आई थी। तो मैं नेक्स्ट में बोली थी कि नेक्स्ट वीडियो नाइट का मैं आपको दिखाऊंगी, तो मैंने आपको विजिट किया और मैं खुद घूमने आती रहती हूँ तो आपको दिखाती रहती हूँ हर एक चीज़। तो आप देख सकते हो ना यार क्या बाहर का लोकेशन है, मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब इसका व्यू जो इसका भव्य है ना, ऐसा लग रहा था मानो जान ही ले लेगा, मतलब ऐसी अट्रैक्शन चीज़ बन चुकी है ना कि आप इस वीडियो में भी देखोगे ना तो आपका दिल करेगा कि किस जगह पे मैं कैसे जाऊँ। तो ये बनारस में है और बनारस 15 किलोमीटर की दूरी पे है मेन सिटी से, तो आप जब भी आओ कैंट से तो 15 किलोमीटर की दूरी पे आप आ सकते हो आसानी से। एंड देख रहे हो ना कितना प्यारा लग रहा है यार, मैं क्या बताऊँ, मेरा तो मतलब इतना मुझे ये अट्रैक्ट कर रहा था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं कितने दिनों से मैं एकदम पागल बनी थी यार, नहीं मुझे जाना है जाना है, क्योंकि मैं डे का वीडियो तो डाली थी तो डे में उतना मुझे कुछ मतलब ऐसा समझ भी नहीं आया, डे में भी बहुत प्यारा व्यू है एंड नाइट का भाई साहब कुछ तो है ही यार। मैं तो आपको देखे, मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको घुमा रही हूँ एंड आप देख सकते हो और आप आ सकते हो यार यहाँ पे एकदम आसानी से, बहुत ज़्यादा दूर नहीं। एंड अदर सिटी से, अदर स्टेट से लोग हैं तो अदर स्टेट से आपको बनारस ही आना पड़ेगा, क्योंकि आप जब भी आओगे बनारस से ही आप यहाँ पर विजिट कर सकते हो। तो आप इस जरूर इस मतलब इस स्थल, इस धार्मिक स्थल को आप जरूर देखो और यहाँ पे जरूर अपने आप को विजिट करो। बट मैं कहूँगी कि डे में भी आओ तो नियर अबाउट आप 4 o'clock यहाँ पे आ जाओ एंड उसके बाद से यहाँ पे जो भी थोड़े से 1-2 घंटे के बाद लाइट जो होती है ओपन हो जाती है, तो आप डे में भी घूम सकते हो एंड नाइट का भी व्यू, नाइट का भी लोकेशन आप ले सकते हो। तो है ना बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत चीज़। तो बस ढेर सारा प्यार दिया करो यार मेरे वीडियो को, मैं हमेशा न्यू अपडेट लाती रहती हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और क्योंकि मुझे बहुत एक होप भी है कि आप लोग ढेर सारा प्यार दोगे भी तो ऐसे वीडियो ज़रूर आपको मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार और ढेर सारा प्यार भी दो, तो मिलेंगे न्यू अपडेट आपको, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।